हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे कुछ नुमेरिकल ऑन द टॉपिक न्यूटन ऑफ मोशन और ये जो नुमेरिकल्स है ये मैंने ली है फ्राम एन सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन ये कहता है विच आर द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया इन से बताओ किस में है ज़्यादा इनर्शिया ऑप्शन ए हमारे पास है ए रब रबर बाल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज़ कि एक रबर बॉल में ज्यादा इनर्शिया है या एक स्टोन में ज्यादा इनर्शिया है सिमिलरली हमें बताना है बाइसिकल एंड ए ट्रेन कि एक बाइसिकल में ज्यादा इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया है या एक ट्रेन में ज्यादा इनर्शिया है सिमिलरली फाइव रुपीज कोइन कॉइन एंड ए वन रुपी कॉइन कि एक फाइव रुपी कोइन में ज्यादा इनर्शिया है या वन रुपी कॉइन में ज्यादा इनर्शिया है तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ पहले इनर्शिया का अब देखिए इनर्शिया इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट इज़ इनर्शिया। ये कहता है कि जो इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ऑब्जेक्ट की किसके लिए क्या कि वो तो तो रजिस्ट करे कोई भी चेंज उसके स्टेट ऑफ मोशन में मीन्स अगर अभी बॉडी अभी मोशन में है और हम चाहते हैं कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है उसमें हम कोई भी चेंज करें तो ये बॉडी उसको रेजिस्ट कर है या ये ऑब्जेक्ट जो है उसको रेजिस्ट कर दिया है सिमिलरली अगर ये बॉडी अभी रेस्ट में होगी तो हम चाहते हैं कि इसकी रेस्ट की जो स्टेट है, है इसको हम थोड़ी सी चेंज करें तो अगेन इट विल इट विल इम्पॉर्ट रेजिस्टेंस टू दिस तो जो ये रेजिस्टेंस इम्पार्ट करता है टू तो द स्टेट ऑफ मोशन और टू तो द स्टेट ऑफ रेस्ट तो इसी को हम बोलते हैं दिस इज़ नोन एज इनर्शिया और ये जो है इनर्शिया है ये डिपेंड किस पे करता है दिस इनर्शिया होली एंड सोरी डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन वन पैरामीटर एक खाली एक या एक पैरामीटर पर डिपेंड करता है डैट इज़ मास राइट इनर्शिया जो है ये डिपेंड करता है मास पे तो यहाँ पे आपको याद रखना है इनर्शिया जो है इनर्शिया इट इज़ प्रपोर्शनल टू मास मासर्शिया जो है ये मास के प्रपोर्शनल होता है डेट मीन्स अगर हमारे पास मास इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास इनर्शिया भी इंक्रीज़ हो जाएगा सिमिलरली अगर मास डिक्रीज हो जाएगा तो इनर्शिया भी डिक्रीज़ हो जाएगा जी एक बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी का उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा तो ये जो एक कन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया है दिस कम्स फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटनस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वहाँ से हमें कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया मिलता है so I hope this thing is clear to you now inertia this inertia is simply the resistance of a of an object or a body to change uh, of it, to a change in state of its motion or in state of it is rest right so, is now, to isko hum bolte hain inertia ab hum aate hain question pe question में पहला part अगर हम देखेंगे ये बोलता है a rubber ball and a stone of the same size अगर हम एक rubber ball लेंगे और एक स्टोन लेंगे दोनों का साइज़ हम रखेंगे सेम तो हमें बताओ इन दोनों में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा तो अगर हम दोनों का साइज़ सेम रखेंगे तो हमें पता है कि जो स्टोन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये रबर है और ये हमारे पास स्टोन है तो अब अगर इन दोनों का साइज़ सेम है लेकिन फिर भी हमें पता है डेंसिटी जो है स्टोन की वो ज़्यादा है किससे डेंसिटी ऑफ रबर डेंसिटी ऑफ स्टोन इज मोर देन डेंसिटी ऑफ रबर की डेंसिटी स्टोन की ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ रबर तो जब डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली इसका मास जो है मास भी इसका ज़्यादा होगा किसका स्टोन का तो मैंने अभी बोला जिसका ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा तो यहाँ पे हमें क्या आएगा यहाँ पे स्टोन जो है स्टोन इसका जो इनर्शिया है वो ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू रबर बाल सिमिलरली आप देखिए हमारे पास एक बी पार्ट है ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन एक बाइसिकल है और एक ट्रेन है तो डेफिनेटली मास किसका ज्यादा है मास ऑफ ट्रेन इज मोर मच मच मोर देन मास ऑफ बाइसिकल राइट जो ट्रेन का मास है वो बहुत बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ बाइसिकल तो अगर मास ट्रेन का ज्यादा है तो इनर्शिया भी ट्रेन का ही ज्यादा होगा क्यों क्योंकि इनर्शिया इज प्रपोर्शनल टू मास जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया सिमिलरली हमारे पास थर्ड पॉइंट है ए फाइव रुपीज़ कॉइन एंड ए वन रुपी कॉइन कि हमारे पास एक फाइव रुपीज़ कॉइन है और वन रुपी कॉइन है तो डेफिनेटली मास किसका ज़्यादा होता है फाइव रुपी कॉइन का तो डेफिनेटली जब इसका मास ज़्यादा होगा तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा आएगा सो इनर्शिया फाइव रुपीज़ कॉइन विल बी मोर देन डेट ऑफ वन रुपीज़ कॉइन तो आप इस आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया ऐसे विच आर द फॉलोइंग हैज मो हैज मैक्सिमम इनर्शिया इनमें से बताओ सबसे ज्यादा इनर्शिया जो है वो किसमें है फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए उसने दिया है स्टोन ऑप्शन बी उसने दिया है रबर ऑप्शन सी उसने दिया है पेपर एंड ऑप्शन डी उसने दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते प्लास्टिक राइट तो ऐसे कुछ ऑप्शन है और लिखा है नीचे ऑल हैव द सेम साइज़ कि सब का साइज़ जो है वो सेम है तो हमें बताना है सबसे ज़्यादा इनर्शिया जो है वो किस में है तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इनर्शिया उसमें होगा जिसका सबसे ज़्यादा मास होगा तो स्टोन जो है स्टोन का सबसे ज़्यादा मास होगा सो इनर्शिया ऑफ स्टोन विल बी हाइस्ट राइट विल बी द मैग्जिम ऑफ द ऑल राइट तो ऐसे आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो लेट्स टू अदर स्लाइड क्वेश्चन नंबर टू ये बोलता है ए कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फाइव के जी फॉर कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फाइव के जी फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ टू सेकेंड्स ये बोलता है हमारे पास मास है कितना फाइव के जी और इस पर कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट होता है लेट्स सी डेट कांस्टेंट फोर्स इज एफ और ये एक्ट होता है कितने टाइम के लिए फॉर टू सेकेंड्स इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट्स वेलासिटी फ्राम थ्री मीटर पर सेकेंड टू सेवन मीटर पर सेकंड इससे इंक्रीज होती है ऑब्जेक्ट की वेलासिटी कहाँ से थ्री मीटर पर सेकेंड टू सेवन मीटर पर सेकेंड इनिशली वो जो ऑब्जेक्ट था वो चल रहा था विथ वेलासिटी ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड और फिर हमने इसको फोर्स एफ किया अप्लाई कितने टाइम के लिए टू सेकेंड्स के लिए मानिए टू सेकेंड्स के लिए हमने इस पर फोर्स एफ अप्लाई किया तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये चल रहा है विद ए वेलासिटी ऑफ सेवन मीटर्स पर सेकेंड ये क्या बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स फिर हमें बताओ जो ये फोर्स है हमने कितना फोर्स इस पर अप्लाई किया तो ये तो है फर्स्ट पार्ट इसका पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे आपको पता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ हम बोलते हैं जो फोर्स होता है फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इन टू एक्सलरेशन तो दिस विल बी इक्वल टू फोर्स विल बी इक्वल टू मास इन टू एक्सलेशन हम बोलते हैं दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सले डिपेंड एज चेंज इन वेलासटी अपन चेंज इन टाइम तो यहाँ पे हमारे पास देखिए मास हमारे पास है फाइव के जी तो यहाँ पे हमको आएगा ये मास के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे फाइव राइट विल बी इक्वल टू फाइव इन टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज गिवन एज फाइनल वेलासिटी माइनस इनिशियल वेलासटी कोई भी चेंज किसी भी क्वान्टी की चेंज आपको देनी हो तो दिस इज गिवन एज फाइनल वैल्यू माइनस इनशियल वैल्यू मतलब हम वेलासटी में देंगे ये फाइनल वेलासिटी माइनस इनशियल वेलासिटी तो यहाँ पर देखिए फाइनल वेलासिटी थी सेवन मीटर पर और इनिशियल है थ्री मीटर पर सेकंड तो दिस विल बी सेवन माइनस थ्री अपॉन टाइम चेंज इन टाइम आप देखिए कितना टाइम कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट करता है ड्यूरेशन ऑफ टू सेकेंड तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दिस विल एफ इज इक्वल टू फाइव इन टू सेवन माइनस थ्रीट विल भी फोर डिवाइड बाई टाइव इं टू टू दिस विल फोर्स विल बी इक्वल टू टेन और फोर्स का जो यूनिट है डेट इज न्यूटन सो दिस विल बी टेन न्यूटन टेन न्यूटन फोर्स हमने इस बॉडी पे अप्लाई किया है ये तो हो गया इसका पहला पार्ट नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट ये बोलता है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ फाइव सेकंड अगर हमने ये फोर्स कितना फोर्स टेन न्यूटन जो हमको निकला पहले ये बोलता है अगर हम अगर हमने ये फोर्स अब अप्लाई किया होता कितने टाइम के लिए फॉर फाइव सेकंड्स अब तक हम इसको, अब तक तो पहले हमने इसको अप्लाई किया था फॉर टू सेकंड्स अब बोलते हैं अगर हमने इसको अप्लाई किया फॉर फाइव सेकंड्स व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिन ऑब्जेक्ट फिर इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी तो अगेन विल यूज द सेम इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए ए एंग द एक्सलेशन तो एफ इज इक्वल टू एम इन टू एक्सलेशन हमने बोली चेंज इन वेस्ट फाइनल वेलासटी माइनस इनिशियल वालास डिवाइडेड बाई टाइम टी वी से डिनोट करते हैं फाइनल यू से डिनोट करते हैं इनिशियल वालास तो फोर्स हमको निकला पहले टेन इज इक्वल टू मास मास हमको दिया गया ऑब्जेक्ट का फाइव इंटू फाइनल वेलासिटी जो हमको निकालनी है माइनस इनिशियल वेलासिटी तो इनिशियल वेलासिटी कितनी है डेट इज थ्री मीटर पर सेकंड थ्री मीटर पर सेकंड विल बी थ्री डिवाइड बाई टाइम कितने टाइम के लिए हमने इसे अप्लाई किया फॉर फाइव सेकंडिड बाई फाइव नाउ दिस फाइव दिस फाइव विल कैंसिल तो यहाँ पे हमको रहेगा टेन इज इक्वल टू वी माइनस थ्री तो इस माइनस थ्री को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे दिस विल बिकम टेन प्लस थ्री इज इक्वल टू वी और यहाँ से हमको v जो है वो निकलेगी एज थर्टीन मीटर्स पर सेकेंड तो तब इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जो है वो होती है थर्टीन मीटर्स पर सेकेंड यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक कैच जो है जिस पे आपको ध्यान देना है वो यहाँ पे ये टर्म जो है दिस इज़ वाज यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे इसने बोला है नाउ इफ द फोर्स वाज वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ फाइव सेकेंड अगर हमने फोर्स अब अप्लाई किया होता कितने के लिए फॉर ड्यूरेशन ऑफ फाइव सेकेंड डैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे सेम ही रहती थ्री मीटर्स पर सेकंड लेकिन अगर इसने बोला होता नाउ इफ द फोर्स इज अप्लाइड अगर हमने अब फोर्स अप्लाई किया कितने के लिए फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ फाइव सेकंड्स अब इसने बोला अब अगर, अगर इसने इसको अप्लाई किया फोर्स तो फिर यहां पे इंशा वेलोसिटी चेंज होती यहां पे इंशा वेलोसिटी फिर रहती सेवन मीटर्स पर सेकंड लेकिन इसने बोला नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड राइट इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग इट फार फाइव टू हैव टू अप्लाई इट फॉर फाइव सेकंड्स राइट तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर फॉर यू हियर तो डट्स मोट नेक्स्ट स्लाइड ये बोलता है विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्स रेटिंग एट टू के जी मास एट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए फोर के जी मास एट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बोलता है हमें बताओ इसमें से ज्यादा फोर्स किस में लगेगा कि अगर हम एक्सरेट करना चाहेंगे एक टू के जी मास को कितनी मास हमारे पास टू के जी है और इसको एक्सरेशन देना चाहेंगे फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर या एक मास हमारे पास है फोर के जी इसको हम एक्सरेशन देना चाहेंगे टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इन बोथ द केसेज विल डिटरमाइन द फोर्स हम देखेंगे पहले में फोर्स हमको कितना आएगा और दूसरे में फोर्स हमको कितना आएगा फोर्स हम की इक्वेशन हमारे पास है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सरेशन पहला केस हम देखेंगे एफ वन विल बी इक्वल टू एम वन इंटू ए वन तो एफ वन विल भी इक्वल टू एम वन एम वन हमारे पास है टू इंटू एक्सलरेशन हमारे पास है फाइव तो टू इंटू फाइव डैट इज़ इक्वल टू टेन न्यूटन तो पहले ही में हमको लगता है फोर्स कितना टेन न्यूटन अब अगर हम बात करेंगे दूसरे कंडीशन की यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है एफ टू डेट विल बी इक्वल टू एम टू इं ए टू ना एम टू यहाँ पे हमारे पास है फोर के जी इंट एक्सरेशन हमको देनी इसको टू तो फोर इंटू टू डेट इज इक्वल टू एट न्यूटन तो डेफिनेटली आप देखते हैं यहाँ पे एफ वन में हमको एफ वन हमको चाहिए टेन न्यूटन और एफ टू हमको चाहिए एट न्यूटन तो ज़्यादा फोर्स हमें किस में चाहिए पहली वाली कंडीशन में सो so, इस वाली कंडीशन में हमको ज़्यादा फोर्स चाहिए राइट तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है यहाँ पर इसको आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बोलेगा विच आर द फॉलोइंग विल रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स इनमें से बताओ हमको किसको ज्यादा फोर्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल कंडीशन ए देगा वो ऐसी ए देगा टू किलोग्राम मास एट फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कंडीशन बी देगा फोर किलोग्राम मास एट टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि क्वेश्चन है फिर नीचे ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन फोर्स रिक्वायर्ड इन ए इज ग्रेटर देन फोर्स रिक्वायर्ड इन बी राइट right? या फोर्स रिक्वायर्ड इन बी ए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी या इसी तरह से रखेगा थर्ड ऑप्शन फोर्स रिक्वायर्ड इन बी इज़ ग्रेटर देन फोर्स रिक्वायर्ड इन ए एंड फोर्थ वहाँ रखिएगा फॉर एग्जाम्पल इन सप्शन डाटा इन सफिशेंट डाटा तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है आपको देखना है इसमें हमें कितना फोर्स लगेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सलरेशन यहाँ पे भी हमको आएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इं टू एक्सलरेशन सो अकॉर्डिंगली वहाँ से हमको जो सोल्यूशन आएगा वो हमको फिर टिक मारना है लेट्स मोटर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर ये बोलता है ए मोटर कार इज मूइंग वेलासिटी ऑफ वन हंड्रेड एट किलोमीटर्स पर आवर क्या हमारे पास जो एक मोटर कार है वो मूव होती है कितनी वेलोसिटी से वन हंड्रेड एट किलोमीटर्स पर आवर इतनी वेलोसिटी से वो मूव होती है ये बोलता है इट टेक्स फोर सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड क्या अब हमने क्या की ब्रेक्स अप्लाई करी और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद हमको चार सेकेंड्स लगते हैं इसको स्टॉप करने में स्टॉप करने में मीन्स फाइनल विलास्ट जो इसकी है वो बनाने में कितनी जीरो स्टॉप जब भी एक बॉडी स्टॉप होगी तो इसकी फाइनल वालास्ट बनेगी ज़ीरो तो हमें वहाँ उसके लिए हमें कितना टाइम लगा फोर सेकेंड्स कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ द मॉस अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स इज़ वन थाउजेंड के जी ये बोलता है हमें बताओ कितना फोर्स हमको कैलकुलेट द फोर्स एग्जेटेड बाय द ब्रेक्स कि ब्रेक्स ने कितना फोर्स एग्जट किया किस पे मोटर कार पे अगर हमारे पास मास जो है मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स इज थाउजेंड के जी इस मोटर इस मोटर कार का और पैसेंजर्स दोनों का वेट हमको दिया गया सॉरी मास हमको दिया गया कितना थाउजेंड के जी तो हमें यहाँ पे निकालना है फोर्स फोर्स हमको कितना इसमें लगेगा पहले आप देखिए मास यहाँ पे हमको दिया गया के जी में तो वो इसका यूनिट है टाइम हमको दिया गया है सेकंड्स में वो भी इसका यूनिट है लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे वेलास्टी इनिशियल वालासिटी जो है क्योंकि बोलता है मोटर इज कार्ज मोंगे वेलास्टिटी डैट मीज इट्स ए इनिशियल वलासिटी तो यू हमको दी गई है वन लेकिन ये हमको दी गई है किलोमीटर्स पर आवर में हम इसको चेंज करेंगे फ्रॉम किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर पर सेकेंड यूनिट उसमें तो यू हमको दिया गया है वन हंड्रेड किलोमीटर्स पर आवर तो हम इसको चेंज कर लेंगे फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड दिस विल बी इक्वल टू यू इज़ इक्वल टू वन जीरो एट जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो आप इसको मल्टीपल कर लेंगे बाई फाइव बाई एटीन राइट तो ये फिर बनेगा मीटर पर सेकंड ये फैक्टर आपको याद रखना है फाइव बाई एटीन से आप इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आपको किलोमीटर पर आवर से चेंज होकर मीटर पर सेकंड में आएगा तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको आएगा यू इज़ इक्वल टू तो दिस विल बी एटीन वन एंड एटीन सिक्स दैन इट विल भी सिक्स इंटू फाइव तो डैट विल भी अराउंड थर्टी मीटर्स पर सेकेंड तो मीन्स इसकी इन्शल विलासटी जो हमारे पास है डेट इज थर्टी मीटर्स पर सेकेंड तो यहाँ पर अगर आप इंशल वलास्टी सीधे वन जीरो एट देंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर यूनिट जो है वो असाइनड नहीं है या सारे यूनिट्स एक ही सिस्टम के नहीं है तो हमने सारे यूनिट्स को ऐसा SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया अब हमको यहां पे चाहिए फोर्स तो फोर्स अगेन विल बी इक्वल टू मास इंट एक्सलरेशन तो डैट विल बी इक्वल टू मास इंट एक्सलेशन मैंने बोली दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम तो यहां पे आप देखिए इस, इसने क्या बोला इसने बोला कि जो ये इस बॉडी को हमने फाइनली स्टॉप किया फाइनली जब हमने स्टॉप किया तो डैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो इस बॉडी की वो बन गई हमारे पास जीरो फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास जीरो सो so, ये हमारे पास बनेगा ये हमारे पास बनेगा फोरस इज इक्वल टू मास हम हमारे पास है थाउजेंड के जी सो दिस विल बी थाउजेंड इं टू फाइनल डैट इज जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमने देखी दैट इज इक्वल टू थर्टी डिवाइडेड बाई टाइम टाइम हमको कितना लगा ये बोलता है इसको चार सेकेंडस लगे टाइम टाइम इज इक्वल टू फोर सो दिस विल बी थाउजेंड जीरो माइनस थर्टी डैट इज माइनस थर्टी डिवाइड बाई फोर

ए फोर्स ऑफ फाइव न्यूटन हमको दिया गया फोर्स कितना फाइव न्यूटन गिव्स ए मास एम वन एन एक्सरेशन ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हमारे पास अगर मास एम वन है इसको ये फोर्स फाइव न्यूटन का एक्सरेशन कितना देता है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हमने एक्सरेशन को बाई एन एन एक्सरेशन ऑफ ट्वेंटी अ मास ऑफ एम टू अगर हम यही फोर्स अप्लाई कर लेंगे मास एम टू पे एन एक्सरेशन ऑफ ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड स्क्र उसको ये एक्सेरेशन देता है कितना ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्र व्हाट एक्सरेशन वुड इट गिविस टाइट टुगेदर अब बोलते हैं अगर हम दो मासेज को कनेक्ट कर लेंगे एक साथ तो इन दो मासेज को एक साथ क्या एक क्या एक्सेरेशन देगा अगेन आप देखिए यहाँ पर यह बोलता है अगर हमारे पास एक फोर्स है कितना फोर्स है फाइव न्यूटन का ए फोर्स ऑफ फाइव न्यूटन गिवज ए मास एन एन एक्सरेशन ऑफ टैन मीटर पर सेकेंड स्क्र हमारे पास एक मास है एम uh, वन इस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं कितना फाइव न्यूटन तो इसको ये एक्सरेट कराता है विथ टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिमिलरली जो मास एम टू है हमारे पास जब हम इसको अप्लाई करते हैं फोर्स कितना फाइव न्यूटन तो इसको ये एक्सरेट कराता है एट द रेट ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्येर अभी बोलता है अगर हम इन दो मास इसको कनेक्ट करेंगे क्लब करेंगे ये मास एम वन है ये मास एम टू है राइट अब इन दोनों मास को हम कनेक्ट कर लेंगे और इस पर हम यही फोर्स अप्लाई कर लेंगे फाइव न्यूटन तो फिर बताता है हमको बताओ एक्सेलरेशन जो है वो कितनी होगी तो पहले देखिए हम क्या करेंगे यहां पे पहले हम निकालेंगे इन मासेस का वैल्यू इस मास एम वन का वैल्यू और मास एम टू का वैल्यू तो पहले हम यही निकाल दें यहां पे अब देखिए यहां पे हम यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ वहां पे हमें जो इक्वेशन मिलती है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टू तो जब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फोर्स इज़ इक्वल टू मास इन टू एक्सलरेशन तो मास हमें निकालना है मास विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सलेशन एक्सलेशन यहाँ से मल्टीपल है वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो फोर्स हमारे पास है फाइव डिवाइड बाई एक्सलरेशन हमारे पास है टेन तो फाइव बाई टेन डेट इज़ वन बाई टू वन बाई टू विच इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव के जी तो यहाँ पर हमको जो मास मिल गया है वो मिल गया ज़ीरो पॉइंट फाइव के जी तो यह तो हमारे पास आ गया एम वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव के जी सिमिलरली क्या हम करेंगे सिमिलरली हम निकालेंगे मास एम टू मास एम टू हम निकालेंगे वहाँ पे भी हमारे पास फोरस कॉन्स्टेंट है कितना फाइव लेकिन उसको एक्सेलरेशन जो आती है वो आती है ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर डेट इज़ फाइव बाई ट्वेंटी तो फाइव बाई ट्वेंटी डेट इज़ वन बाई फोर विच इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव के जी जो मास एम टू हमारे पास है डैट इज़ीरो पॉइंट टू फाइव के जी मास एम वन हमको मिल गया एस जीरो पॉइंट फाइव के जी एंड मास एम टू हमको मिल गया अब जीरो पॉइंट टू फाइव के जी अब क्या है अब हमें इन दो मासेस को क्लब करना है सो so, अब जो कंडीशन आएगी हमारे पास वो आएगी ऐसे पहले हमारे पास है मास जीरो पॉइंट फाइव उसको हमने कनेक्ट किया है जीरो पॉइंट टू फाइव के साथ टू फाइव के जी तो इन दो इन दोनों पे हमने अप्लाई किया फोर्स कितना फाइव न्यूटन तो अब हमें यहाँ पे निकालनी है एक्सलरेशन कितनी अगेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज़ इक्वल टू मास इन टू अब यहाँ पे हमको acceleration निकालनी है, तो acceleration विल be इक्वल टू फोरस डिवाइड बाई मस ना फोर्स हमारे पास कितना है डैट इज़ फाइव न्यूटन डिवाइड बाय मास हमारे पास कितना आएगा अब मास आएगा इन दोनों का टुगेदर राइट मास विल बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू ना एम वन इज जीरो पॉइंट फाइव एंड एम टू इज जीरो पॉइंट टू फाइव तो डैट विल बी जीरो पॉइंट सेवन फाइव के जी ये हमारे पास अब टोटल मास आएगा तो दिस विल बी जीरो पॉइंट सेवन फाइव के जी तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा तो ये हमारे पास आएगा कुछ सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकंड स्क्वायर कि मतलब अगर ये दो फोर्स अब हम दो बॉडीज पे एक सेम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना ये मिलेगा एक्सरेशन सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट यहाँ पे एक चीज़ जो आपको याद रखनी है यहाँ पे एक कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे देखना है अब देखिए फोर्स हमारे पास सेम था इन ऑल द थ्री कंडीशन पहली कंडीशन सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन सब में फोर्स हमारे पास सेम था लेकिन हमारे पास जो चेंज होता था वो होता था मास फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सलरेशन फोर्स सब कंडीशन में सेम था लेकिन चेंज जो यहाँ पे होता है एक तो मास चेंज होता है दूसरा चेंज होता है एक्सलरेशन पहले आप देखिए जब हमने इसको मास एम वन पे अप्लाई किया तो यहाँ पे उस पर एम वन पे हमारे को एक्सलरेशन आ गई टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एम टू पे जब हमने अप्लाई किया तो हमको कितनी एक्सरेशन आ गई हमको आ गई ट्वेंटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जब हमने इन दोनों को क्लब किया राइट एम वन प्लस एम टू दोनों को क्लब किया एम वन प्लस एम टू तो यहाँ पे हमको एक्सरेशन आ गई है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब आप देखिए मास एम वन हमारे पास जो है वो है ज़ीरो पॉइंट फाइव के जी मास एम टू हमारे पास है जीरो पॉइंट टू फाइव और दोनों का मास मिला के एम वन प्लस एम टू आता है जीरो पॉइंट सेवन फाइव मास एम वन अब अगर आप देखेंगे सबसे कम मास इसमें किसका है वो एम टू का है तो इसको मिल गई सबसे ज्यादा एक्सेरेशन उससे ज्यादा उससे ज़्यादा मास किसका है एम वन का उसको उसके ज्यादा उसको उससे थोड़ी कम एक्सेरेशन मिल गई सबसे ज़्यादा मास अगर आप देखेंगे वो किसका है वो जब इन दोनों को क्लब करते हैं तो यहाँ पर इनको सबसे कम क्या मिल गई एक्सेलेशन कहने का मतलब यही यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इन ए, फोर्स इज सेम अगर फोर्स हमारे पास सेम होगा तो फिर हम बोलेंगे मास इनटू फिर हम बोलेंगे यहाँ पे मास इंट एक्सलेशन डेट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट क्योंकि फोर्स ऑल इन ऑल द थ्री कंडीशंस फोर्स वाज सेम तो हम बोलेंगे मास इंट एक्सलेशन कॉन्स्टेंट मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन मीन्स जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सलेशन सबसे कम आएगी या जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी एक्सलरेशन सबसे कम आएगी जो आपने यहाँ पर देखा नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर सिक्स ये कहता है ए बुलेट ऑफ मास ट्वेंटी ग्राम्स इज़ हार्जेंटरी फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ वन हंड्रेड फिफ्टी मीटर पर सेकंड क्या हमारे पास एक बुलेट है उसका मास कितना है ट्वेंटी ग्राम्स हम उसको डिनोट कर लेंगे फॉर एक्जाम्पल एम बी मास ऑफ बुलेट डेट इज़ गज ट्वेंटी ग्राम्स ये बोलता है उसको हमने हारजेंटरी फायर किया है विद ए वेलासिटी ऑफ़ वन मीटर पर सेकेंड इसको हमने वेलासटी ऑफ बुलेट दी है एज़ वन मीटर पर सेकेंड फ्राम ए पिस्टल ऑफ मास टू के जी कि इसको हमने फायर कहाँ से किससे किया है एक पिस्टल से जिसका मास कितना है हमारे पास टू के जी तो उसको हम रखेंगे एम पी वो हमारे पास है टू के जी ये बोलता है वाट इज द रिकायल वेलासिटी ऑफ द पिस्टल अब जो ये पिस्टल है इसकी रिकायल वेलासिटी जो है रिकॉयल वलासिटी जो है वह क्या है तो यहां पर हमें जो यूज होता है डैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोवमेंटम पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे दूँ लाऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप देखिए हमारे पास अगर दो बॉडीज है एक बॉडी का, का मास एम वन है दूसरी बॉडी का मास एक बॉडी का मास एम ए है दूसरी बॉडी का मास एम बी है और मास ए जो है ये चल रहा है वेलोसिटी ऑफ यू एंड मास बी इज गोइंग ऑन विध वेलोसिटी ऑफ यू बी तो फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है आफ्टर सम टाइम ये दोनों अगर कोलाइड करते हैं राइट तो ये दोनों अगर कोलाइड करते हैं तो डेट मीन्स अभी इन कंटैक्ट आते हैं तो जब ये इन कंटैक्ट आएंगे तो ये फोर्स अप्लाई करेगा मॉस ए अप्लाई फोर्स ए बी एफ ए बी ऑन बी राइट एंड सिमिलरली जो बी मॉस जो है वो अप्लाई कर लेगा फोर्स बी ए आन ए बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉफ मोशन तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा फ्री हो जाएंगी सपरेट आफ्टर क्ल्यूजन आफ्टर कल्यूजन हम देखते हैं जो हमारे पास एम ए है ये चलता है विद ए वालासटी ऑफ वी ए पहले चलता था विद ए विलासिटी ऑफ यू एंड सिमलरली एम बी चलता है विद अ वालासिटी ऑफ वी बी पहले चलता था विद ए विलासिटी ऑफ यू बी तो अगर हम यहाँ पे लाऑफ कंजर्शन मोमेंटम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको अगर लॉफ कंजर्शन मोवमेंटम ये बोलता है कि इनिशियल मोवमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कि हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो होगा किसके बराबर फाइनल मोमेंटम तो मोमेंटम हमें बोलता है एम इनिशियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से तो ये हमें बोलता है पी इनिशियल की जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो है वो आएगा फाइनल मोमेंटम के बराबर दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और इनफैक्ट दिस इज चेंज इन मोमेंटम शुड बी इक्वल टू जीरो डेट की कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए मोमेंटम में अब देखिए इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम जो हमारे पास है दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एयर बॉडी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पे बॉडी तो यहाँ पे देखिए इस केस में इनिशियल मोमेंटम हमारे पास अगर आप देखेंगे कितना है एक तो है एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी ये तो हमारे पास रहेगा इनिशियल मोमेंटम राइट बिफोर कोलिजन ये दो बॉडीज़ के पास मोमेंटम इतना है आफ्टर कोलिजन इन दो बॉडीज के पास कितना मोमेंटम है एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इन टू वी बी इन सर ये था यू ए यू बी फाइनल अब इन क्या है वी ए वी बी तो लॉफ कंजर्वेशनल मोवमेंटअब हमको बोलता है कि दिस इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम तो यहाँ पे हमको मिलता है एम ए यहाँ पे हमको मिलता है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी दिस शुड बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी वायर यू एंड यू बी आर द ज बिफोर क्ल्यूजन एंड वी एंड वी बी आर आफ्टर कल्यूजन तो इसको हम बोलते हैं लाफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम यही लाफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो ये हमको यूज होगा इन इन केस ऑफ दिस इन दिस केस जहाँ पे हम बुलेट को फायर करते अब देखिए इंचली जो हमारे पास इंचुरी जो हमारे पास जो ये गन था या पिस्टल था हम मानते हमारे पास एक पिस्टल है तो इन ये पिस्टल जो इंचरी था इसकी विलास्टी इंचुरी यू पी जो इंशरी वो थी ज़ीरो सिमिलरली इंशरी जो वेलास्टिकस की थी ब्लेट की यू बी वो भी थी जीरो क्योंकि इंशियर ये ब्लेट इसी में होगी तो अभी हमने उसको फायर नहीं किया है तो इनशियल मोमेंटम अगर आप देखेंगे यहाँ पे वो आएगा हमें एम बी यू बी प्लस एम एम पी यू पी डेट शुड बी इन्शियल मोमेंटम तो मास तो है इसका लेकिन इनशियल वेलोसिटी जीरो यहाँ पे ये पी जीरो तो इनशियल मोमेंटम यहाँ पे हमको आएगा ज़ीरो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे इनशियल मोमेंटम जीरो लेकिन क्या होता है अगर हम इसकी फाइनल मोमेंटम की बात बात करेंगे फाइनल मोमेंटम हमको कब आएगा जब हमने अब इस इस गन से अब इस इस गन से इस बुलेट को फायर किया तो जो हमने इस गन से इस बुलेट को फायर किया क्या होता है ये बुलेट को फोर्स करता है आगे की ओर राइट ये इसको आगे वेलास्टी देता है इन दिस डायरेक्शन लेकिन जो ये बुलेट है बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये अगेन फोर्स एक्ट करती है किस पे इस पिस्टल पे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन दैट्स कॉल डेट वालासटी एज वी वी पी राइट फाइनल वालासटी वी ए एंड वी पी वी पी वी कौन सी विलास्टी है जो गन इम्पोर्ट करता है किसको ब्लड को और ब्लड जो है वो इम्पोर्ट करती है विलास्टिक गन को एज वी पी तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे फाइनल वालास्टी वो हमारे पास किसके बराबर आएगी एम बी वी बी प्लस एम पी वी पी एम बी इज द मास ऑफ बुलेट वी बी इज द विलासटी ऑफ बुलेट एम पी इज द मास ऑफ पिस्टल एंड वी पी इज द विलासटी ऑफ पिस्टल तो जब हम इस पे इंशियल मोमेंटम तो हमने देखा इस सिस्टम का जो इंशियल मोमेंटम वो हमारे पास जीरो था तो अब जब हम इक्वेट करेंगे विथ इंशियल मोमेंटम जीरो बिकॉज हम बोलते हैं लाफ कंज्रक्शन मोमेंटम में इंशियल मोमेंटम शुड भी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो हमारे पास दिस शुड बी इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमको आएगा एम बी वी बी ये वाली टर्म में यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये हमको आएगा माइनस एम पी वी पी तो यहाँ पे हमको निकालनी है रिकायल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल डैट मीन वी पी हमको यहाँ पे निकालनी है तो वी पी अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे डेट वुल बी माइनस एम बी वी बी डिवाइडेड बाई माइनस एम पी डेट शुड बी द रिकायल वेलोसिटी ऑफ दिस पिस्टल तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है वी पी इज इक्वल टू एम बी वी बी डिवाइड बाई एम पी तो ये आपको आएगी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ दिस पिस्टल तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है जब भी आपको ये पिस्टल वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही इक्वेशन यूज करनी है डेट वो ये है कि एम बी वी बी प्लस एम पी वी पी दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज इसका इस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंट हमारे पास वो हमारे पास आता है ज़ीरो तो अब हम इसी इक्वेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी आप देखिए एम बी डेट इज़ द मास ऑफ बुलेट वो को कितना दिया गया डेट इज गिवन एज ट्वेंटी ग्राम तो यहाँ हमको हम दिया गया ट्वेंटी ग्राम तो हम इसको ग्राम से कन्वर्ट कर लेंगे के जी में सो दिस विल बी ट्वेंटी डिवाइडेड बाई थाउजेंड क्योंकि जब भी हम ग्राम को के जी में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको डिवाइड भी करना पड़ता है थाउजेंड से सो दिस विल बी ट्वेंटी बाई थाउजेंड के जी इन टू वलासिटी ऑफ बुलेट कितनी वेलासिटी के साथ वन हंड्रेड फिफ्टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड वन हंड्रेड फिफ्टी सो दिस विल बी वन हंड्रेड फिफ्टी प्लस एम पी वट इज द मास ऑफ पिस्टल डेट इज टू के जी टू इंटू वट इज द वालासिटी ऑफ पिस्टल ऑफ पिस्टल वो हमको निकालनी दैट इज द रिकायल वी ऑफ पिस्टल दिस इज इक्वल टू जीरो तो नाउ दिस जीरो दिस जीरो इज कैंसल दिस विल बी जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू वन हंड्रेड फिफ्टी प्लस टू इंट वी पी दिस उल बी इक्वल टू जीरो तो अब हम क्या कर लेंगे इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे दिस विल बी इक्वल टू तो ये हमको आता है थ्री प्लस टू आइस वी पी ज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको आएगा फिर थ्री प्लस टू आइस वी पी इज इक्वल टू जीरो आर टू आइस वी पी विल बी इक्वल टू प्लस थ्री यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस थ्री बनेगा यहाँ से वी पी आप देखेंगे डेट विल बी माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू डेट इज माइनस वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड दैट मीज वालासिटी ऑफ दिस पिस्टल विल भी इक्वल टू माइनस वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड माइनस इन देंस कि अगर बुलेट आगे की ओर जाता है तो गन जो है वो जाएगा पीछे की ओर डैट मीन्स माइनस इंडिकेट करता है दिस विल गो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट तो यहाँ पर आपको वेलासिटी ऑफ आप पिस्टल फिर आएगी माइनस थ्री पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर आप देखिए यही इक्वेशन आपको यूज़ करनी है ये इक्वेशन आपको याद रखनी है तो ये इक्वेशन आपको इन जैसे क्वेश्चंस में हमेशा काम आएगी एम बी इंटू वी बी प्लस एम पी इंटू वी पी इज इक्वल टू जीरो राइट नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर सेवन ये कहता है ए गर्ल ऑफ मॉस फोटी के जी जम्पस विद अ हार्जेंटल वेलोसिटी ऑफ फाइव मीटर पर सेकंड ऑन टू अटेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शन लेस व्हील्स द मॉस ऑफ द काट इज थ्री के जी वाट इज़ हर वेलोसिटी एज द काट स्टार्ट मोइंगेट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबेलेंसड फोर्स वर्किंग इन द हारजेंटल डायरेक्शन ये बोलता है हमारे पास एक गर्ल है उसका मॉस जो है डेट इज इक्वल टू फोर्टी के जी और वो जंप करती है किसके साथ विद अ हार्जेंटल वलासिटी ऑफ फाइव मीटर्स पर सेकेंड फाइव मीटर पर सेकेंड उसकी हॉर्जेंटल वलासिटी जो है डेट इज फाइव मीटर्स पर सेकंड उसकी हॉर्जेंटल वेलासिटी है इस हॉजेंटल वालास्टी के साथ वो क्या करती है वो जंप करती है ऑन ए स्टेशनरी कार्ट यहाँ पे आप देखिए एक कार्ट है ये स्टेशनरी अब इसकी वेलासिटी इंशल वलासिटी जो है वो जीरो है इसको हम यू सी से करेंगे रिप्रेजेंट तो वो हमको है जीरो तो ये मूव होता है कि एक कार्ट पे यू सी उसका है ज़ीरो इंशल वलास्टी उसकी ज़ीरो है ये बोलता है मास ऑफ द काट इस थ्री के जी अब इस कार्ड का जो मास हमको दिया गया वो दिया गया एज थ्री के जी वट इज़ हर वेलासिटी एज द काट स्टार्ट मूविंग हमें बतानी है कि इसकी वेलासिटी कितनी होगी जब ये कार्ट फिर मूव हो जाएगा जब इस पर पहले आएगी विथ वेलासिटी तो फिर ये कार्ट आगे मूव हो जाएगा फिर जो वेलासिटी कार्ट की रहेगी वही वेलासटी रहेगी गर्ल की भी राइट वोट विल मू मूव विथ ए सेम वलासिटी लेट्स कॉल्ड डेट एज वी तो हमें बोलने हैं यही वेलासटी वी जो है ये कितनी होगी अब यहाँ पर क्या बोलते हैं इज्यूम डेट देर इज़ नो एक्सटर्नल अनबेलेंसड फोर्स वर्किंग इन द हॉर्स एंटल डायरेक्शन कि इसमें कोई अनबेलेंसड फोर्स नहीं है तो यहाँ पे अगेन विल यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम दैट इज़ मोमेंटम बिफोर जंपिंग शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंपिंग तो जब हम देखेंगे यहाँ पे हम जो गर्ल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम रखेंगे यू जी और जो कार्ट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे हम यू सी तो गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी हमको कितनी दी गई है वो दी गई हम तो हम हम है हमको एज फाइव मीटर पर सेकंड तो ये हमको आएगी फाइव मीटर पर सेकंड और हमको बोला गया साइमल्टेनियसली कि जो ये है एग्जाम्पल्स ऑन ए स्टेशनरी काट स्टेशनरी मतलब ये वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वलासटी इज इक्वल टू जीरो सिमिलरली आप देखिए मास ऑफ दिस गर्ल वो हमको दिया गया एज फोर्टी के जी एंड मास ऑफ दिस काट वो हमको दिया गया एज थ्री के जी तो पहले हम निकालते हैं इसमें इनिशियल मोमेंटम पी आई इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास ऑफ गर्ल इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ काट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ काट अब मास ऑफ गर्ल हमारे पास है वो हमको दिया गया है फोर्टी इंटो वेलोसिटी ऑफ गर्ल हमारे पास है फाइव प्लस मास ऑफ कॉट हमारे पास है थ्री इंटो वेलोसिटी ऑफ कॉट हमारे पास है जीरो सो दिस विल बी फोर्टी इंटू फाइव डेट इज इक्वल टू टू हंड्रेड और यहाँ पे थ्री इंटू जीरो डेट इज इक्वल टू जीरो सो दिस इनिशियल मोमेंटम दिस विल बी इक्वल टू थ्री हंड्रेड और अगर आप इसका यूनिट देखेंगे मास का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का जो यूनिट है डेट इज मीटर पर सेकंड सो दिस विल बी द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अभी अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात कर लेंगे पी एफ फाइनल मोमेंटम तो वो हमको आएगा किसके बराबर मास ऑफ गर्ल इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ट इन फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट लेकिन यहाँ पे एक चीज जो हम देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि जो गर्ल और कार्ट जो है अब फाइनल वेलोसिटी इन दोनों की सेम रहेगी क्यों जिस वेलोसिटी के साथ कार्ट चलेगा उसी वेलोसिटी के साथ फिर गर्ल भी चलेगी तो हम बोलेंगे पी फाइनल हमको आएगा यहाँ पे मास ऑफ गर्ल हमको है डेट इज़ मास ऑफ गर्ल्ज जो हमको दिया गया यहाँ पे डट इज फोटी इन टू फाइनल लास्ट डे ऑफ गर्ल उसको हम डिनोट कर लेंगे विद वी प्लस मॉस ऑफ कार्ट हमको दिया गया डेट इज गिवन एज थ्री के जी इस विल भी थ्री इन दू फाइनल लास्ट डे ऑफ कॉट उसको भी हम डिट कर लेंगे वी क्योंकि ये दोनों जय सेम है हमने इनको रिप्रेजेंट किया है विथ वी तो यहाँ पर अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात कर लेंगे दिस इज फोर्टी वी प्लस थ्री वी डेट विल भी समथिंग लाइक फोटी थ्री वी तो ये हमको आ गया यहाँ पे फाइनल मोमेंटम तो अगेन विल यूज नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट तो जब हम लॉफ कंजर्वेशन मोवमेंटम यूज़ करेंगे वो हमें बोलता है इनिशियल मोमेंटम शुड भी इक्वल टू द फाइनल मूवमेंट तो लॉफ कंजर्वेशन मोमेंटम पी आई शुड भी इक्वल टू पी एफ पी आई आप देखिए वो आपको मिलता है टू हंड्रेड इज इक्वल टू पी एफ आपके पास है फोर्टी थ्री वी आपको निकालना है यहाँ से वी तो वी आपके पास फिर कितना आएगा वी विल भी इक्वल टू वी विल बी एक्ल टू टू हंड्रेड डिवाइड बाई फोटी थ्री मीटर पर सेकंड कि अब जो ये काट है या ये गर्ल है दिस विल मूव विद ए वेलोसिटी ऑफ 200 हंड्रेड डिवाइड बाई फोर्टी थ्री मीटर्स पर सेकेंड और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज़ समथिंग ये आता है अराउंड फोर पॉइंट सिक्स फाइव मीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी के साथ आप ये मूव करेंगे राइट दिस थिंग इज क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर एट ये बोलता है फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास फोर के जी ए बुलेट ऑफ मास फिफ्टी ग्राम इज फायर विद एन एंशियल वालासिटी ऑफ थर्टी फाइव मीटर पर सेकंड क्या हमारे पास एक राइफल है जिसका मास मास ऑफ राइफल हमको दिया गया है फोर के जी उससे हमने एक बुलेट जिसका मास हमारे पास है फिफ्टी ग्राम मास ऑफ़ बुलेट हमारे पास है फिफ्टी ग्राम इसको फायर किया है विथ ऐसा इनिशियल वालासटी ऑफ थर्टी फाइव मीटर्स पर सेकेंड हमने इसको फायर किया है ए वसटी ऑफ बुलेट कितनी है हमारे पास डेट इज़ थर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड में बोलता है कैलकुलेट द इनिशियल वेलासटी ऑफ द राइफल हमें इस राइफल की जो इनिशियल वेलासटी जो है वालासटी ऑफ राइफल वो हमें यू निकालनी है तो इसमें मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन लिखा है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे यूज करनी है कौन सी

एंड डायरेक्शन विद एसटीज़ विध वीटर पर सेकेंड एंड वन मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली ये बोलता है हमारे पास दो मासेज है एक है मास हंड्रेड ग्राम दूसरा है मास टू हंड्रेड ग्राम और ये चल रहा है विथ ए वेलासटी ऑफ टू मीटर पर सेकेंड एंड वन मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली ये चल रहा है विदे वालास टू मीटर पर सेकेंड और ये चल रहा है विथ वालासटी वन मीटर पर सेकेंड दे क्लाइड एंड आफ्टर क्ल्यूजन कोलिजन द फर्स्ट बॉडी मूवज़ विथ ए वलास्टी ऑफ वन पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकेंड फिर ये बोलता है फिर क्या होता है आफ्टर सम टाइम ये कोलाइड हो जाते हैं right? राइट और जब ये कोलाइड हो जाते हैं फिर उसके बाद जो है ये बॉडीज़ फिर से सपरेट होती है और जब सपरेट होती है फिर जो फर्स्ट ऑबजेक्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है हंडर ग्राउंड फिर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, 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 है ये मूव होता है विद ए वालास्टी ऑफ वन पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकेंड नाउ इट मूव ऑफ वन पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकंड राइट मीटर पर सेकंड ये क्या बोलता है डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अब जो हमारे पास ये 200 ग्राम है इस 200 ग्राम की हमको वेलोसिटी जो है वो बतानी है तो अगेन यहाँ पे क्या यूज़ होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम नाउ इनिशियल मोमेंटम ये आएगा हमको दैट इज हंड्रेड इन टू वेलास्ट इज मास इन टू वेलास्ट दैट इज टू तो मास अगेन हमको ग्राम में दिया गया तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे थाउजेंड से प्लस टू हंड्रेड डिवाइड बाई थाउजेंड इंटू वेलास्टी हमको दी गई है वन शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना है दैट इज हंड्रेड डिवाइडेड बाई थाउजेंड फॉर मेकिंग इट के जी इंटू वन पॉइंट सिक्स सेवन प्लस टू हंड्रेड डिवाइड बाई थाउजेंड इंटू इसकी वेलास्टी जो हमको निकालनी है तो आप आप इसको फिर सॉल्व करके इसका आंसर आपको आएगा अगेन सॉल्व ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नाउ लेट्स मूव टू टेंथ क्वेश्चन एट इज अ लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है वट इज़ द मोवमेंटम ऑफ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूवंग विलास्टी वी क्या अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है और मूव होता है विथ वेलास्टी वी के साथ उसका मोमेंटम बताओ क्या होता है ऑप्शन ए एम वी होल स्क्येयर ऑप्शन बी एम वी स्क्यर ऑप्शन सी वन बाई टू ऑफ एम वी स्क्यर एंड ऑप्शन डी हमारे पास है एम इन टू वी तो मैंने आपको बोला कि जो हमारे पास मोवमेंटम होता है डेट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलास्टी तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी तो ये आपको याद रखा है मोमेंट हम हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलास्टी तो यहाँ पे हमने किस किस इक्वेशन uh, पे हमने क्वेश्चंस किए तो वो मैं आपको पहले एक बार फिर से बता दूँ हमने यहाँ पे, पे जिन इक्वेशन पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन जिस हमने बोला मास इंटू एक्सलेशन हमको आती है फाइनल वेलास्टी माइनस इनिशियल वेलास्टी डिवाइडेड बाई टाइम टी तो इस पर हमने क्वेश्चन किए और दूसरा हमने जो किया मेन हमारा जो था डैट वॉज़ इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पर हमने बात की लॉ लॉफ कंजर्व मोमेंटम मैंने बोला इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमारे पास होता है फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कैसे देखते हैं मास इं टू ऑफ द बॉडीज़ फाइनल मोमेंटम कैसे देखते हैं अगेन मास इं फाइनल वेलासिटी ऑफ द बॉडीज़ तो इन पे हमने क्वेश्चन किए आई होप दिस थिंग्स विल भी हेल्पफुल फॉर यू सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू